अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में कुछ लोगों की जानिब से मुसलसल जुल्म किया जा रहा है, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में शेख मोहम्मद पर कुछ लोगों ने हमला किया जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोगों का जुल्म यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आने जाने वाले लोगों को छेड़ा जाता है और उनसे रुपये भी खींचे जाते हैं और मारपीट भी की जाती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, हत्ता के इन पर कत्ल करने की कोशिश का भी केस दर्ज है। बहरहाल मीडिया के जरिए इन्होंने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर से गुजारिश की कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। महमिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम शेख मोहम्मद है। परसों मैं जा रहा था गाड़ी पे, थोड़ा पानी निकला यासर जाबरी के ऊपर, तो मेरे को माँ बाता अंगरा मार रहा था। मैं बोला भाई सॉरी जी, हो गया गफलत से, बोले तो हुशार रहे तू, बोलिए बोला। फिर मैं जा दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे जा रहा हूँ तो रुका के असर के टाइम बाता अंगरा, फिर ऐसे कटवट दिखा के टांगा टूट गई बोला। फिर कल जो है मैं नमाज पढ़ के निकल के बात कर रहा हूँ कि आप रहे बोलिए तो मारना अटैक करके डब्बे के पंप से मारा ऊपर, पानी का पंप था डब्बे का। कौन मारे आपको? यासर जाबरी मारा, अहमद जाबरी पीछे से आया चाकू लेने के वार्डन को। क्या हुआ आपको? हाथ टूट गया, पूरा हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कंप्लेंट करे आप? कंप्लेंट कर दिया बालापुर डीएस में। क्या बोले साहब? क्या बोले साहब? बोले करेंगे कार्रवाई करेंगे बोल के बोले जल्द से जल्द। आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाह रहे हैं। मेरा नाम रईस मोहीउद्दीन है, मैं सादात नगर का शहरी हूँ, सादात नगर में रहता हूँ मुकामी। ये अहमद जाबरी और जुबैर जाबरी जाबरी परिवार जो है, जाबरी फैमिली जो है, बहुत हद से ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। ये इनका जुल्म आज से नहीं है बल्कि जो इसमें 2007 से 11 से इसमें इनका जुल्म चल रहा है, जो कि हम इससे पहले भी देखे कि छोटे छोटे बच्चों को इनका इनसे पहले मटर केस में थे इन्हों, जो कि छोटा एक मासूम बच्चा था वो बच्चे को मार दे के इसमें। वो बच्चे को मारने की वजह भी ये थी कि उनकी उसी की बहन को छेड़ते लोग, फिर बाद में उस बच्चे का मर्डर कर देते। फिर इसके बाद जो इसमें इनके जो इसमें क्राइम एक्टिविटीज इतने बढ़ते गए एक्चुअली। फिर उसके बाद इनका आज राउडी शीट भी है। राउडी शीट होने के बाद भी पिछले एक साल के अंदर इनके 5 क्रिमिनल केसेस एफआईआर हुए, एक ही पीएस में, बालापुर पीएस में 5 केसेस एफआईआर होने के बावजूद ये इसमें पुलिस ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, ना पुलिस इनको पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती वो अल्लाह वाला हमको नहीं मालूम, मगर पुलिस इनके खिलाफ जो इसमें कोई सख्त एक्शन लेती नहीं। एक साल हो गया, खुद मेरा छोटा भाई एक जो इसमें अदनान नाम का जो इसमें रमज़ान के बाद गुज़िश्ता रमज़ान से बाद जो इसमें केस हुआ, बच्चे को मारे, हालांकि वो बच्चे की उम्र थी 14 साल। 14 साल के बच्चे को एक अहमद जाबरी नाम की रॉडी शीटर मारता है और छोटे भाई के साथ दोनों मिलकर मारते और जो इसमें फरार हो जाते। बल्कि एक साल होने के बाद भी आज पुलिस जो इसमें अहमद जाबरी को पकड़ने से नाकासिर है। पुलिस जो इसमें अहमद जाबरी के तरफ जो इसमें कार्रवाई करना नहीं चाहती, समझ में नहीं आता। या इसमें अहमद जाबरी पुलिस से ज़्यादा भागने वाला है, पुलिस से ज़्यादा पावरफुल है, समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे को जो इसमें अहमद जाबरी अगर मिल क्यों नहीं रहा पुलिस को, या मिलने के बाद भी पुलिस जो इसमें पकड़ना नहीं चाह रही या अरेस्ट करना नहीं चाह रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। आज ये छोटे बच्चे को, फिर एक छोटे बच्चे को मारे इन्हों जो इसमें, इससे पहले जो इसमें और एक ऑटो ड्राइवर को जो इसमें ऐसी लेके आके मारे बाउंड्री में, रात भर किडनैप करके रखे, वो भी केस में जो इसमें अहमद जाबरी, यासर जाबरी अब्सकांडिंग है, आज तक अब्सकांडिंग है। और जो इसमें उसके बाद मेरे भाई को मारे उसमें भी अब्सकांडिंग है। फिर आज जो इसमें ये बच्चे को मारे, एक साल के अंदर 5 केसेस जो इसमें क्रिमिनल केसेस अहमद जाबरी के ऊपर बुक होते हैं और पुलिस जो इसमें पकड़ नहीं सक रही पुलिस अहमद जाबरी को। ये क्या अमदन ऐसा हो रहा है, यानी जो इसमें अहमद जाबरी को पकड़ नहीं सक रही पुलिस, समझ में नहीं आ रहा। ये बात का हमारा खुलासा होना है। हम भी चाह रहे हैं भाई, देखो मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं भी जो इसमें बस जो भी हूँ, मगर ये काम गलत हो रहा है, इनका जुल्म बढ़ते जा रहा है। हर दिन एक नया किस्म का जुल्म जाबरी पर फैमिली का जो इसमें हो रहा। ये कहाँ पे रहते लोग? इलाहाबाद सादात नगर में रहते, इरागुंटे के करीब में जो बस्ती है सादात नगर में रहने वाले लोग। हर दिन का इनका ये जुल्म हो गया, बस हो जा रहे हैं। पुलिस ये चाह रहे हैं कुछ ज़्यादा मेहनत करे कि उसको पकड़ सके, ऐसा कुछ प्लान बनाए, क्योंकि पुलिस कोशिश कर रही पकड़ने की मगर पकड़ नहीं सक रही शायद। तो कुछ उसके डेवलपमेंट्स लाना चाहिए कि पुलिस कैसा चाहे कि इनको कैसा पकड़ना, कुछ आपका चैनल बढ़ा के जिसमें उसको पकड़े तो कुछ जो भी है उसको एक बार रिमांड करो, जेल को भिजाओ। आप जिसमें पीडीआईट का प्रोसीजर बोल के बोले थे, हम मम्मी को तयकुन दिए थे लास्ट टाइम के उसको पीडीआईट में हम जो इसमें बुक करेंगे बोल के भरोसा दिलाए थे, मगर वो पीडीआईट तो छोड़ो, उन्हें इवन जो इसमें 324 में जो केस बुक हुआ वो केस में नहीं गया, पीडीआईट का प्रोसीजर तो दूर ही छो गया, वो तो भूल जाने का हो गया।
एक साल से उसमें पकड़ नहीं सक रहे हैं। अब हायर ऑफिसरों से क्या अपील करना चाह रहा हूँ? हायर ऑफिसर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साहब ये जो अहमद जाबरी है इसका कोई सीरियस एक्शन लिए तो अच्छा रहेगा आप लोग, क्योंकि इन्हें आज ये बच्चे को आज तोड़ दिए इसका। आज ऑपरेशन कल रात में जो मैं हॉस्पिटल को लेके गया था, मैं खुद था वहाँ पर हॉस्पिटल में, उसमें बोले कि ऑपरेशन जरूरी है, बोल के उस्मानी हॉस्पिटल वाले बोले ऑपरेशन कराना है, बोल के करना लाजमी है, बोले अंदर हड्डी टूटी हुई है वो ऑपरेशन करना है। अब यहाँ से इसको हॉस्पिटल को लेके आए खुदा ना खास्ता और फिर कल को ये इंसिडेंट्स होंगे ऐसा। अब इलान तो बाद आने वाले नहीं दिख रहे हैं, इलान किसी से डरने वाले नहीं, इनको डर नाम की चीज़ ही खत्म हो गई, इनके हिस्स खत्म हो गई। इलान इला इंसाना है या आदम को जानवर हो गए समझ में नहीं आ रहा क्या आते इलान चाह रहे हैं क्या। अब हम तो हायर ऑफिसर से यही बोल रहे हैं कि हमको भरोसा है हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, इसमें कुछ हमारे साथ अच्छा होएगा बोल के, मगर आज नहीं कल होएगा बहरहाल हिंदुस्तान के कानून से उम्मीद है।